हावड़ा के बेंट्रा थाना क्षेत्र के बेलियस रोड में डकैतों ने मंगलवार को बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए नगद लूट लिए। पीड़ित लोहा कारोबारी का नाम दिलीप वर्मा बताया गया है। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोहा व्यापारी कारोबार से जुड़े लेन देन के लिए करीब 1 करोड़ रुपए दुकान में रखे हुए थे। दोपहर को 3 युवक हथियारों से लैस होकर उसकी दुकान में घुस गए और व्यवसायी का हाथ पैर बांध कर लूटपाट की और फरार हो गए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।